नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले बंधन बैंक के क्वार्टर थ्री के नतीजों के बारे में, किस तरीके का रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है सोमवार को स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा, नतीजे पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नतीजों की, तो सारे आंकड़े यहाँ पे लाख में से हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आंकड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरेस्ट अर्निंग का। यहाँ पे किस तरीके की इंटरेस्ट अर्निंग इनकम आते हुए दिख रही है, तो 3,807 करोड़ का आंकड़ा इस बार कंपनी ने पेश किया, जो कि पिछले साल अगर आप देख रहे हो तो 3,408 करोड़ था। तो कहते हैं कि 400 करोड़ से मुनाफा इंटरेस्ट अर्निंग इनकम जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। लास्ट क्वार्टर में देख रहे हैं 3,773 करोड़, तो कहने के उसके मुकाबले बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। टोटल इनकम का आंकड़ा 4,840 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,250 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़त अब आती हुई दिख रही है, यहाँ पे सहारा मिल रहा है अदर इनकम से। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 4,117 करोड़ का नंबर था, तो उसके मुकाबले भी एक शानदार बढ़त जो है आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब जिस तरीके के नंबर पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है प्रोविजनिंग का। किस तरीके का प्रोविजनिंग हुआ है कंपनी का, इस बार 1,541 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग का नंबर है, जो कि लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 805 करोड़ था। यानी कि प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये चीज कहीं ना कहीं मार्केट पसंद नहीं करेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे 1,280 करोड़ से बढ़ के 1,540 करोड़, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रोविजनिंग बढ़ी है कंपनी की तरफ से, तो प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। और ये आंकड़ा पहला नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट का आंकड़ा आ रहा है 290 करोड़ रुपए का, जो कि लास्ट ईयर 858 करोड़ था। तो मुनाफा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/3 होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं बहुत तेजी से मुनाफे में गिरावट देखने को मिल रही है। और लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 209 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले 290 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख रहे हैं तो मुनाफे में जंप है 80 करोड़ के आसपास का। लेकिन साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो बहुत तेज गिरावट जो है आपको मुनाफे में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुनाफे का नंबर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम आगे चल के बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो पे, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.1% पे बना हुआ है। पिछले क्वार्टर में 19.37 था और लास्ट ईयर 20% के आसपास था, तो आपको वहां से थोड़ी सी जो है प्रेशर देखने मिल रही है। ईपीएस 1.80 रुपए की इस बार क्लॉक हुई, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 1.30 रुपए, लास्ट ईयर 5.30 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे ईपीएस भी प्रॉफिट के साथ साल दर साल गिरती दिख रही है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ग्रॉस एनपीए का। ग्रॉस एनपीए इस बार 7.15% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 10.81 था। तो एनपीए में एक बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, कहने के 10% से एनपीए गिर के सिंगल डिजिट 7 के आसपास आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं तो 7.19 से 7.15, यानी कि 4 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट होती हुई दिख नहीं रही है। नेट एनपीए भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बिल्कुल फ्लैट देखने मिलेंगे 1.86 से। लेकिन अगर साल दर साल देख रहे हैं तो 3% के मुकाबले 1.86% आता हुआ दिख रहे हैं, तो साल दर साल यहाँ पे नंबर अच्छे देखने मिलेंगे लेकिन एनपीए के। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट है, कोई बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब स्टॉक प्राइस को देखते हैं कि किस तरीके का इम्पैक्ट देखने मिलेगा, तो बहुत ही शांत और स्टॉक जो है एक रेंज में बना हुआ है। कहीं ना कहीं अपसाइड में आप देख रहे हैं 240-45 की रेंज है, और डाउन साइड में अगर आप देख रहे हैं पिछले तो 230-35 की रेंज में स्टॉक बहुत ही शॉर्ट रेंज में बना हुआ है। अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और लेवल की अगर हम बात कर ले, तो अगर 247-245 का लेवल ये स्टॉक अगर ऊपर क्रॉस करेगा, तब जाके आप यहाँ पे मान सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश होता हो देख सकते हैं। हालांकि अगर हम इसको देखें तो बेरिश स्ट्रक्चर में ही लगातार स्टॉक है, लगातार एक ट्रेंड जो है इसका एक नेगेटिव बना हुआ है। हालांकि निचले लेवल से अगर हम देख रहे हैं नवंबर के लो से, तो आपको एक अच्छी खासी बाउंस देखने को डेफिनेटली मिली है। 210 रुपए के लेवल से अभी फिलहाल 230 के आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अभी तलाश नहीं पा रहा है। स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो सपोर्ट है 227-225 रुपए का लेवल। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, 225 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई देगा। 237 पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो अब देखना होगा फ्राइडे के सेशन में, सोमवार के सेशन में, कि अब ये स्टॉक क्या 225 को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। तो अगला सपोर्ट जो आएगा सीधा इसको 210 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, तो 245 रुपए का रेजिस्टेंस होगा। 245-46 का लेवल निकलने के बाद कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अपसाइड की मूवमेंट लेता हुआ दिख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।